टीकमगढ़ के ताल दरवाजा में स्थित केंथ में मंदिर में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। राधा रानी सरकार और भगवान कृष्ण जी के प्राचीन मंदिर का नवीन निर्माण होने के बाद यह पहला फाग महोत्सव हुआ। फाग महोत्सव के लिए बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश से ग्रामीण क्षेत्र की मंडली बुलाई गई। इस मंडली के सदस्यों द्वारा बुंदेली अंदाज में फाग के गीत, भजन और बधाई गीत गाए गए। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान की प्रतिमा पर गुलाल लगाकर एक दूसरे को गुलाल लगाई एवं भजन नृत्य गायन किया। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। पंडित जी बताएं, आज कैथ के मंदिर में क्या कार्यक्रम हुआ है, फाग महोत्सव खेला गया है, क्या कार्यक्रम हुआ? आज श्री श्री 1008 श्री राधा कृष्ण कैथ का मंदिर ताल दरवाजा टीकमगढ़ में, ये जो पुराना मंदिर था यह पुनः निर्माण हुआ है इसका, और यह फाग महोत्सव इस मंदिर में काफी समय से नहीं हुआ था, जो कि इस समय पहली बार फाग महोत्सव हुआ है नव निर्माण के बाद। तो इस बार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से, जो कि प्राचीन परंपरा है बुंदेलखंड की फाग की, देसी फाग, वो मंडली बुलाई है और वो उत्तर प्रदेश से हमारे यहाँ कैथ के मंदिर में आई हुई है, और शाम को ही भगवान का 16 श्रृंगार करा के साजवाज से उनकी महिलाओं द्वारा पहले भजन कीर्तन हुआ, फिर देसी अंदाज में फागों के गीतों का आनंद हुआ। तो मोहल्लेवासी और शहरवासी काफी लोग आए हैं जो कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, नृत्य गीत हुए, सभी लोग एकत्र हुए, काफी मतलब हजारों संख्या में श्रद्धालु लोग आए हैं यहाँ पे, सब लोगों ने नृत्य किया, फाग गाए, अपने अपने अंदाज में सब लोगों ने फाग गीत गाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।